मनोबकारा ने काम क्रोध लो मोहंकार ने दुनिया नु पागल कर रखे है, बौरिया की तरह तोड़ रहे हैं, ये बवा की तरह अंदर फैलते हैं, जीव नु अज्ञानता दे डूंगे खड्डे विच गेर दिंदे है, ये बड़े चरित्रां भरे लारे लाउंदे है, लोभ लालच दे विच फसा दिंदे है, और आखिर इंसान की सारी पूंजी लुट लेंदे है, नाम की तरफ आउण नहीं दिंदे। कबीर साहब कहिंदे है, ना कामी भगती कर सकदा, ना क्रोधी, ना लालची, कोई सूरमा आदमी इन्हां तों हटके ही, बहादुर आदमी इन्हां नाल मुकाबला करके ही भगती कर सकदा है। महात्मा सानू दसदे है, इन्हां तों असीं तद ही बच सकदे हां जे अपने फैले हुए ख्याल नूं तीसरे तल दे विच लियाईए, सिमरन दे जरिए। और जद असीं सुरत दीआं सारीआं तारां शरीर दे विचों समेट लैंदे हां, तीसरे तल ते एकागर हो जांदे हां, फिर ही असीं इन्हां तों बच जांदे हां। परमात्मा ने साडे अंदर बेशुमार नाम दे खजाने रखे हुए है, लेकिन उन्हां खजानियां नूं असीं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्ना चिकर पूरे सतगुरां नाल असीं पूरी मुहब्बत प्यार नहीं कर सकते। उह सिरजणहार परमात्मा साडे अंदर शब्द रूप होके बैठा है, साडे उह सूरमे बहादुर सतगुरु प्यार दे योग हुंदे है, जिन्हां दा तन तां इस दुनिया दे विच कैद है, आत्मा करके वो आजाद है, आत्मा उन्होंने परमात्मा दे नाल मिली हुई है। भीखा साहब कहिंदे है, भीखा भूखा को नहीं सगी गठड़ी लाल, गिरे खोल ना जानी तांते पए कंगाल। सो फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए तीसरे तिल ते एकागर करना है, ये साडे घर दा बूहा है, साडे सफर की शुरुआत इथों ही हुंदी है। मन नूं हमेशा शांत रखना है, अभ्यास नूं कदे भी बोझा समझ के ना करो। हाँ भाई।